हेलो माय सर देवेंद्र सिंह सर, और मैं डिस्कस करूंगा आज रेट ऑफ रिएक्शंस के बेस्ड क्वेश्चंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट पे आप जो भी कुछ बोलते हैं वो सब रेट होता है, ठीक है। और हमारी रिएक्शंस में या तो हमारी रिएक्शन एक्वा स्टेट में है जैसे, और गैसेस स्टेट में है। यदि एक्वा स्टेट में है तो रेट को के जो यूनिट है वो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट। और जब हमारी रिएक्शन गैसेस स्टेट में होती है तो इसके रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि हमें मोल पर लीटर में रेट दिया जाता है तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू सी आर टी, ये तो पता है आपको। यदि हमें मोल पर लीटर में दिया है तो हम उसको आर टी से मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि आर टी में दिया है तो हम उसको डिवाइड करके ऐसा कर सकते हैं। रेट बेटा दो टाइप के होंगे, एक एवरेज रेट जिसको हम एक्स बाई टी से डिनोट करते हैं, या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, और एक इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम डी एक्स बाई डी टी से। ये एक डेफिनेट इंटरवल में रेट बताया जाता है और ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर रेट बताया जाता है। रेट कभी भी बेटा हम ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन यदि ग्राम में है तो हम उसको मोल में पैसे, चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसमें क्या है कि 2SO2 plus O2 give 2SO3, right? 2SO2 gas plus O2 gas gives 2SO3 gas। मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ बेटा उसने जो दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन, SO3 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो है 100 ग्राम मिनट इनवर्स, राइट। और हमारे से पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, O2 का डिसअपीयरिंग रेट बताइए। देखिए बेटा, मैं आपसे पहली बात तो ये करना चाहता हूँ कि रेट कभी भी ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होता। यदि हमें ग्राम में दिया तो उसे आप मोल पर लीटर में या मोल्स में चेंज कर लें। चलिए तो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि जिस समय ये 100 ग्राम खर्च होता है एक मिनट में, तो इसके मोल्स में कन्वर्ट किया जाए तो 100 अपॉन 80 मोल मिनट इनवर्स, राइट। चलिए तो अब हम O2 का, यानी कि ये तो आपका SO, यानी कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि D O2 A O2 अपॉन dt की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि जो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट्स के रेट का जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में होता है, लेकिन वैल्यू जो होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए अब बेटा एक चीज़ और देखिए, यदि हम आपसे बोल रहे हैं डी एस ओ थ्री अपॉन डी टी, ये जो वैल्यू है ये आपकी 100 बाई 80 मोल मिनट इनवर्स है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसको बेटा अब हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को यदि मैं इक्वेट करूं ए ये, तो ये हो जाएगा माइनस डी ओ टू अपॉन डी टी इंटू 1/1 इज इक्वल टू, क्योंकि इनको रिलेट करेंगे, डी एस ओ थ्री बाई डी टी इंटू 1/2, और ये आ जाएगा 100 अपॉन 80 इंटू 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 100/160, राइट। अब बेटा ये आपका इतने मोल मिनट इनवर्स ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एन ओ टू बाई डी टी जो है
यानी कि जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसे ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मोल सी खर्च है तो कंसंट्रेशन चली क्या ओ टू, ये हमारे पास आ गया कितना 100 अपॉन 160। ठीक है, तो इसको बेटा मैं अब ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डी डब्ल्यू ओ टू बाई डी टी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मोल्स को इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए ये 100 अपॉन 160 इंटू कितना, ये 32, राइट। तो आंसर हो जाना चाहिए ए ये कितना आ जाएगा 20 ये आ जाएगा 2 और ये 10 और ये 10, तो आंसर आ जाएगा 20 ग्राम मिनट इनवर्स। तो इसका सही आंसर ये हो जाता है, राइट। मतलब पहले बेटा मैंने क्या किया, इसके ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, फिर इसके मोल से ऑक्सीजन के मोल्स को निकाला, फिर ऑक्सीजन के जब मोल निकल गए तो फिर उसको उसी के मोल के वेट से मल्टीप्लाई करके उसका ग्राम बना दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ओ टू पूछा है और हमें दिया, यानी कि हमें दिया गया है माइनस डी एम एन ओ फोर अपॉन डी टी। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, ये वैल्यू है मेरे पास 4.56 इंटू 10^-3 मोलर सेकंड इनवर्स। ठीक, और मुझे बताना है इसको, यानी कि इसमें और इसमें, तो हम लिख सकते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी एम एन ओ फोर अपॉन डी टी इंटू 1/2 इज इक्वल टू डी आई टू अपॉन डी टी इंटू 1/5। और ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपके पास है ये आप यहाँ रख दें तो डी आई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5/2 इंटू 4.56 इंटू 10^-3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है, यदि इसको मल्टीप्लाई हम करें तो ये आंसर रहेगा 5 × 4.56 अपॉन 2, दिस इज 11 4 इंटू 10^-3, यानी कि ये आपका 11.4 इंटू 10^-3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस 1.14 10^-2 दिस, तो करेक्ट आंसर इज दिस, राइट। तो अगला क्वेश्चन है 2x + y = z। तो बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि हमारी इक्वेशन है 2x + y = z। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डी एक्स
बाई डी टी इंटू वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई वन इंटू डी जेड बाई डी टी, राइट। तो बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई यानी कि माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टू इंटू डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू टू इंटू पॉइंट जीरो फाइव मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, राइट। तो आंसर इसका हो जाना चाहिए हमारे पास, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बेटा यहां N2 H2 और दिस द रेट चेंज ऑफ द कंसेंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन इज दिस और रेट कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की पूछी है। एक्चुअली बेटा यहाँ थोड़ी सी गलती है, ये नेगेटिव साइन इसके आगे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू पॉइंट थ्री इंटू टेन टू टी पावर माइनस फोर मोल सेकेंड इनवर्स, राइट। तो रेट चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑफ अमोनिया, तो बेटा इसमें हम रिलेशन ऐसे बना लें वन बाई थ्री इंटू माइनस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा डी एन एच थ्री अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू कंजप्शन रेट है पॉइंट थ्री इंटू टेन टू डी पावर माइनस फोर, तो ये आ जाएगा पॉइंट टू इंटू टेन टू डी पावर माइनस फोर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। ए टू गैस गिव्स बी गैस प्लस हाफ सी गैस, इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि इसका प्रेशर शुरू में हमने कहा 100, ठीक है, ये जीरो ये जीरो। थोड़ी देर के बाद बेटा इसका प्रेशर माइनस, हम बात कर रहे हैं माइनस पी, ठीक। तो यदि माइनस पी है तो ये कितना बनेगा, पी बनेगा, ये कितना बनेगा, पी बाई टू बनेगा, बात सही है। तो हम इसको कहते हैं 100 माइनस पी 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 बाई टू, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू 100 प्लस पी बाई टू, क्योंकि मैं इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ देता हूँ तो जोड़ने पर ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है 120, और ये एक सौ बीस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी बाई टू इज इक्वल टू 20 और पी इज इक्वल टू 40, राइट। तो पी एम एम, ठीक है, यानी कि 40 एम एम प्रेशर हमारा, यानी कि पी की वैल्यू इतनी है। तो बेटा अब उसने कहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो बेटा डिसअपीयर तो हमारा तो रेट माइनस डी पी ए टू बाई डी टी इज इक्वल टू पी अपॉन टी, और पी कितना आ रहा है बेटा, पी आ रहा है आपका 40 और टाइम आपका खर्च हुआ है 5 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 8 एम एम मिनट इनवर्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मुझे लग रहा है कि यदि आपको ये बेटा वीडियो बहुत सही समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करिए, और यदि इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग हाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड रेड, देखो बेटा इसमें हम आपसे कहें कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा,
चलिए तो बेटा इसी इक्वेशन के अनुसार तो मैं आपको सिंपल एक रिलेशन बता देता हूँ, डी बी आर ओ थ्री निगेटिव अपॉन डी टी राइट इज इक्वल टू माइनस डी बी आर निगेटिव बाई डी टी इंटू वन बाई फाइव इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी डी बी आर टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी एच टू ओ बाई डी टी। तो जो पहला रिलेशन है मेरे बेटा बी आर टू, तो हम लोग इस तरीके देखें डी बी आर टू बाई डी टी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव इंटू माइनस डी बी आर निगेटिव बाई डी टी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज दी रॉन्ग एक्सप्रेशन। ठीक, लेकिन ये एक्सप्रेशन मुझे इसका सही एक्सप्रेशन लग रहा है यदि हम इसके बारे में बात करें। ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन में द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी रिएक्शन का रेट, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी, देखो बेटा ए ये पॉजिटिव में है तो ए जो पॉजिटिव में है तो एक्सप्रेशन ये तो ए तो हमारे प्रोडक्ट्स में होगा और ये जो बी है ये रिएक्टेंट्स में होगा, डी भी रिएक्टेंट्स में होगा। तो बी और डी ये आ गया गिव्स ए और सी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो प्रोडक्ट्स में होंगे। तो अब यहाँ बेटा जो बी है इसके कॉफिशियंट वन बाई एन यानी कि वन है तो ये वन ही होगा और जो डी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ए को आप कैसे लिख सकते हो, ए को फोर क्योंकि यहाँ फोर है और सी यहाँ पर आपके दो है तो यहाँ सी दो होगा। दिस इज दी करेक्ट आंसर, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और डी यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर आपका फिर बेटा थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी करेक्ट आंसर राइट। ये क्वेश्चन नंबर सेवन तक मैंने कंप्लीट किए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट्स में जाके जरूर लिखिएगा। थैंक यू बेटा।